Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some problem on Heisenberg uncertainty principle. So let's talk about the question. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि अगर कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे तो हम उसे कराएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे. ये हमारा बी एस सी सेकेंड ईयर का क्वांटम मैकेनिक्स वाला पेपर चल रहा है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देन हम इसे डिस्कस करेंगे, और ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए हमको इसको लाना पड़ा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं विद्यापीठ में भी और अदर यूनिवर्सिटियों में एंट्रेंस वगैरह में भी, तो इसलिए हम इसको नहीं छोड़ पाए. तो क्वेश्चन ये है, द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ 1 kV इलेक्ट्रॉन. तो 1 kV ऑफ इलेक्ट्रॉन के पोजिशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मेज़र कर रहे हैं, पोजीशन और मोमेंटम को किसके, 1 kV इलेक्ट्रॉन की. इट्स पोजीशन इज लोकेटेड टू बी विद इन 1 एंगस्ट्रॉम. तो जो पोजीशन है वो लोकेटेड है 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर, और तो पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम. तो हमें बताना है कि इसके जो मोमेंटम है, मोमेंटम के अनसर्टेनिटी में कितना परसेंट होगा, मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. तो एक तरह से संवेग की अनिश्चितता में कितने परसेंट की अनिश्चितता होगी. दूसरा क्वेश्चन ये है, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट. तो कहा है कि अगर किसी भी सोडियम का वर्क फंक्शन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, जो कि दैट विल कॉज, जो कि उसका कारण बनेगा, दैट विल कॉज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड. तो वो मैक्सिमम किस वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा इतने वर्क फंक्शन से. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस वर्क फंक्शन के थ्रू कितने वेवलेंथ का, मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन इमिट होगा. और दूसरी चीज़ बतानी है, डज सोडियम सोज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर ऑरेंज लाइट विथ लेमडा इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम. तो क्या सोडियम इस वेवलेंथ के लिए भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना शो करेगा ऑरेंज लाइट के लिए. तो हमें ये बताना है कि क्या इस वेवलेंथ के ऑरेंज लाइट के लिए सोडियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा या नहीं करेगा. ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हम वन बाई वन दोनों को देखते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं. वर्क फंक्शन ऑफ ए सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमें गिवन है वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इसको हम चेंज कर लेते हैं 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ जूल, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो MKS में ही करेंगे, तो इसको हम पहले जूल में कन्वर्ट करेंगे. तो देन हमें बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, और ये जान लीजिए कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलता है. मैक्सिमम वेवलेंथ तब मिलता है जब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के थ्रू जाते हैं. मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां होती है वहीं पे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब जैसे वर्क फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, और यहाँ पर जो न्यू नॉट है ये क्या है, ये एक तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और इसी को हम बोल सकते हैं एक तरह से, इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ज़रूर चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, और उसी टर्म को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होता है, तो मिनिमम एनर्जी का मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसी को हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. तो न्यू नॉट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं C इक्वल टू न्यू नॉट लेमडा नॉट, क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है. ये सिंपल सा वही फार्मूला है जो V इक्वल टू n लेमडा होता है वैसा ही. तो यहाँ C जो है वो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. तो यहीं से हम इसको चेंज कर सकते हैं h, और न्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, c बाई लेमडा नॉट, और ये हो जाएगा ओमेगा. तो हमें क्या फाइंड करना है, लेमडा नॉट.
तो हम लिख लेते हैं लेमडा नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन ओमेगा, ठीक है ये। तो अब इसकी वैल्यू रखते हैं, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10^-34 और सी की वैल्यू होती है 3 × 10^8 स्पीड ऑफ लाइट, और वर्क फंक्शन यहाँ पे है 2.3 × 10 × 1.6 × 10^-19, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 और ये हो जाएगा 19, और पावर को मैनेज करिए तो ये 34 है, यहाँ पे 8 है तो 10^-26 अपॉन में आपका 16 × 3 = 48 और 16 × 2 = 32 और ये हो जाएगा 36। सो 3.68 × 10^-19। तो अगर हम यहाँ पे पावर को मैनेज करेंगे तो हो जाएगा ये 7, और 3 से यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा इसको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, 19.89 है और यहाँ पे 368 है, तो ये सिंपली हो गया फ़िलहाल 1989 हम पॉइंट को हटा रहे हैं और ये हो जाएगा 10^-7, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवीज़न अब आसानी से कर सकते हो, इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं इसका कितना आएगा, लगभग ये 63 के अराउंड आएगा, 6 point something आएगा, 6.3 इस तरीके से। तो इसको हम आंसर बता देते हैं, तो ये करीब आ रहा है 5.397। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1989 और यहाँ पे क्या है 368, तो अगर 5 होगा तो 0.941.0, सो 3 4 करेंगे 4 32 3 7 2 4, तो करीब करीब 5.4 है, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 1, तो एक समथिंग 5.4 × 10^-7, ठीक है ऐसा आ रहा है। या फिर हम इसको अगर पावर को, ये हमारा मीटर में होगा, तो अगर हम इसको 10^3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10^-10 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं 5.4 × 10^3 × 10^-10, तो ये हो जाएगा सिंपली 54 100, और 10^-10 को लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये रहा हमारा लेमडा नॉट, जिसको हम बोलते हैं थ्रेसहोल्ड वेवलेंथ, क्या है थ्रेसहोल्ड वेवलेंथ, या इसी को हम बोल सकते हैं एक तरह से मैक्सिमम वेवलेंथ, यही तो है मैक्सिमम वेवलेंथ भी, क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी के थ्रू आया है, तो जहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, यानी यही हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यही हो गया 5400 इसका। दूसरा हमें बताना है कि क्या ये इस वेवलेंथ के लिए शो करेगा, तो ये इसके लिए बिल्कुल शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। जो सोडियम था उससे हम केवल इतनी वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट कर सकते हैं, इस वेवलेंथ को नहीं कर सकते। तो सिंपली हम स्टेटमेंट में बोल देंगे कि सिंस दिस वैल्यू इज वेरी मच ग्रेटर दैन दिस वैल्यू, सो वी कैन नॉट फाइंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर द ऑरेंज लाइट इस वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होती तो हम कहते हैं कि इस लाइट के लिए जो सोडियम है वो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना इफेक्ट को बताएगा, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वेवलेंथ जो आ रही है वो
54 एंगस्ट्रॉम है, 100 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1 KeV इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं, जैसा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में होता है। तो इफ़ इट्स अ पोजीशन इज लोकेटेड टू बी विद इन 1 एंगस्ट्रॉम, तो हमें ये गिवन है कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में वो तो यही होगी 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इसी के बीच में लोकेटेड है, 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही उसका पोजीशन लोकेट कर रहा है। इसका मतलब जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम होगा। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी तो इन इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम में हमें मोमेंटम के अनसर्टेनिटी का परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसको फाइन कर लें, ये कितना होगा, फिर हम ये फाइन करें कि उसका मोमेंटम कितना है, देन हम फाइंड कर पाएंगे कि परसेंटेज इन मोमेंटम क्या है, परसेंटेज इन मोमेंटम हम इसको कैसे निकालते हैं। किसी चीज़ का परसेंटेज हम इसी तरीके से निकालते हैं, उस राशि में चेंज और देन अपॉन में वो मूल राशि एक तरह से और इधर इनटू 100। तो हमारा काम होगा इसमें फाइंड करना किसी भी तरीके से या हाइजेनबर्ग के तरीके से। सो डेल्टा पी और पी, ये दोनों अगर हम फाइंड कर पाए तो फिर सिंपली हम इसको आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज इन या परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी, हमें ऐसे पूरा लिखना चाहिए था, ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यहाँ के लिए। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन ये दोनों निकालने के बाद तो बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा पी फाइंड करेंगे तो डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, तो एच होता है 6.63 इंटू 10^-34, 4 × 3.14, और ये क्या है डेल्टा एक्स, ये है 1 एंगस्ट्रॉम। सो 1 एंगस्ट्रॉम को हम सिंपली लिख सकते हैं 10^-10 मीटर, ये क्या है 10^-10 मीटर। तो ये हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10^-34 अपॉन 5 और ये 12 × 10^-10, ठीक है। एंड देन इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको हम पहले ऊपर भेज दें, ये हो जाएगा -24। तो अगर हम इसको 66.3 बनाएंगे तो यहाँ 1 पावर और बढ़ेगा 35, ये हो जाएगा 10^-25 अपॉन 12.56। तो देख रहे हैं लगभग 12.5 है नीचे, 12.56 और ऊपर है 66.3, ये करीब 12.5 × 65 आना चाहिए इसको, तो ये आएगा लगभग 5.3 × 10^-25। तो इतना डिवाइड तो किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, तो उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसका आंसर आएगा 5.3 × 10^-25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमें मिल गया डेल्टा पी, आगे हम क्या फाइंड करेंगे पी। तो उससे पहले हमें ये देखना है कि जो हमें गिवन था जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी कितनी थी, 1 KeV, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी
तो गिवन गिवन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 kV। तो कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है और उसका पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए, जो 1 kV का इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है या मोशन कर रहा है, उसका हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं। यानी वो कौन सा एनर्जी दे रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। काइनेटिक एनर्जी इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1K होता है, 1K इक्वल टू 10³। एक तरह से 1 kV इक्वल टू, तो एक तरह से वो किलो है और वो इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 होता है सिंपली। 1 kV बराबर 10³ eV, जैसे 1 kilo में 1000 ग्राम, उसी तरीके से 1 kV इक्वल टू 10³ eV। और हम जानते हैं जो रेस्ट मास एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज m0c², तो ये जो वैल्यू आती है वो करीब 0.51, ये सब लोग याद रखिए इसको, इस वैल्यू को 0.51 mV, ये भी होगा तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी इतनी होती है और इसी को हम एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी समझते हैं। तो अगर हम यहाँ टोटल एनर्जी की बात करें तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमें यही वैल्यू मिलती है, क्योंकि इससे ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट मास के थ्रू जो वैल्यू आती है, ये रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये केवल रेस्ट मास है और mc² मतलब रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वो होता है 0.51। तो इसकी कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से नॉन रिलेटिविस्टिक फिनोमेना है, इसको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 kV का इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतनी एनर्जी रखता है, तो ये एक तरह से रिलेटिविस्टिक फिनोमेना नहीं हुआ, ये एक नॉन रिलेटिविस्टिक फिनोमेना है। तो हम सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक वाला, और वो क्या है, वो है हम जानते हैं मोमेंटम, मोमेंटम पी इक्वल टू होता है √2mK। के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, इस रिलेशन को पढ़ा हुआ, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू p² / 2m। नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के लिए काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू p² / 2m, तो यहीं से हम अगर p फाइंड करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, क्लियर, ये कैपिटल K होगा, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³¹, और ये वैल्यू है 10³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। सो दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन का मास एंड देन काइनेटिक एनर्जी 10³ × 1.6 × 10⁻¹⁹। इसको फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 18 × 1.6 × 10⁻¹⁹, ये दोनों मिलाएंगे तो 10⁻¹⁹ हो जाएगा, 31 और 19 ये दोनों मिला के 50 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, ये आएगा लगभग, हम पहले इंटू कर लेते हैं, तो 16 × 2 = 32, 3, 16 × 8 = 144, 3 हो जाएगा 147, 16 × 16 = 14, 30, तो मतलब 30.72 × 10⁻¹⁹, क्लियर। तो यहाँ से मिलेगा किसका स्क्वायर है, ये 5 point something आएगा ये भी, और ये वाला तो क्लियर दिख रहा है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ये माइनस 50 है तो ये सिंपली हो जाएगा 25, 10⁻²⁵, और 30.72 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो करीब करीब 5 point something आएगा ये,
तो इसको भी आप फाइंड कर सकते हो, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा 30.72, तो ये आएगा लगभग 5 point something, ठीक है। तो 3% 30.72 कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 13 और 8 27 सब ठीक तो है, 1.6 2 और 3 यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ रहा है, ये 13.72 23 ऊपर भी 23 या 24 तो ये वैल्यू मिलेगी करीब 5 point something, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो 5 25 into 5 so 7 to 10 5.5 आ रहा है ये, लगभग 5.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, MS-1, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा अगर थोड़ा कहीं मिस्टेक हो, तो ये आ जाएगा करीब इतना, 5.5 इंटू इतना। अब हमें केवल ये फार्मूला यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी का मान कितना था, ये वाला 5.3 इंटू 10 पावर माइनस 25 और अपॉन में 5.5 इंटू 10 पावर माइनस 25, ठीक है। तो ये तो आराम से कैंसिल हो जाएगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.9 ऐसा कुछ आएगा, 0.91 ऐसा, तो इतने परसेंट की अनसर्टेनिटी होगी। तो ये हमारा आंसर है 0.91%। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लास्ट आंसर के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप पूरा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस सेम है। अगर कुछ और आंसर आएगा तो भी कोई बात नहीं, आपको डेल्टा पी निकालना था यहाँ पे, उसके बाद पी निकालना था, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो सिंपल सा यही फार्मूला है जिससे हम परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे मोमेंटम दिया होता, अगर यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू पता होती तो हम, अगर परसेंटेनिटी इन पोजीशन पूछता तो हम इस तरीके से निकाल लेते। तो दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग ये सेक्शन कंप्लीट हुआ, तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।